तस्वीरें, एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो शुरुआत होने जा रही है और यहां पर तमाम सीडब्ल्यूसी मेंबर्स एकत्रित हो चुके हैं और लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मिशन 2023 की बात करें या 2024 की, इसे लेकर के बातचीत होगी, चर्चा होगी, मंथन होगा। और पहली बार खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद में ये मीटिंग हो रही है उनकी नई टीम के साथ में, नई टीम की पहली मीटिंग तेलंगाना में, दिल्ली के बाद बाहर ही मीटिंग हो रही है। आपको बता दें आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र सीधी नज़र तेलंगाना पे, और तेलंगाना में ये मीटिंग जहां पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि किस तरह से कौन सी नीति के तहत यहाँ पर सरकार लाई जाए, किस तरह से जो राज्य सरकार है उसे किस तरह से उसकी जो कमजोरियाँ हैं, उसकी जो खामियाँ हैं, उसकी जो असफलताएँ उसे जन जन तक और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी तस्वीरों में, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। और आप हमारी सहयोगी कनिका कटियार वहां पर हैं। कनिका, क्या कुछ तैयारी, क्या मीटिंग शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को लेकर? देखिए बिल्कुल सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले साफ तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो आ चुके हैं। इससे पहले जो है झंडारोहण जो है वो किया जाएगा, यानी कि फ्लैग होस्टिंग होगी और तमाम जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और वहीं इसके साथ अगर आप देखेंगे पहली रो में अगर देखेंगे तो चारों राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, सिद्धरमैया हो या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं सीडब्ल्यूसी के मेंबर जो हैं, प्रभारी जो हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा देखिए राजस्थान की बात करें खासतौर पे तो प्रभारी रंधावा जो हैं वो भी पीछे देखिए रो में खड़े, कतार पे खड़े हुए हैं। उसके अलावा जो है सचिन पायलट मौजूद हैं, भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं हरियाणा से मौजूद हैं, और देखिए जयराम रमेश वहाँ पर दिख रहे हैं। और देखिए सोनिया गांधी जो है इस वक्त आगे बढ़ रही हैं, उनके साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं इस वक्त आपको साफ तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले जो है झंडारोहण किया जाएगा, उसके बाद जो है सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है वो शुरू होगी। जी बिल्कुल, और ये पहली बैठक है और एक चुनावी राज्य है तेलंगाना, यहाँ पर कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद होने जा रहा है और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है कि किस तरह से कांग्रेस तैयार है यहाँ पर सरकार बनाने के लिए। कनिका, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि चार राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चार राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तैयारियों को लेकर और लोकसभा की तैयारियों को लेकर जो है इस बैठक में जो है चर्चा की जाएगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बैठक तेलंगाना में रखी गई है तो तेलंगाना से चुनावी शंखनाद की शुरुआत जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी आज की बैठक के बाद। कल एक मेगा रैली भी होगी और कहीं ना कहीं जो 5 वादे पहले किए गए थे उन 5 वादों की एक बार फिर से ऐलान जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। तो देखिए साफ तौर पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो है तमाम बड़े फैसले जो हैं किए जाएंगे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठाएगी, किन मुद्दों को जो है जनता के सामने रखेगी और लोकसभा में क्या उनका प्रदर्शन रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, क्या मैनिफेस्टो और वादे रहेंगे। लेकिन इस वक्त बताना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पहुंच चुके हैं, उनके साथ आप सामने तस्वीर देख सकते हैं कि सोनिया गांधी मौजूद हैं, वहीं राहुल गांधी भी जो हैं वहां मौजूद हैं। और उसके अलावा जो है सेवा दल की टीम जो है वो भी यहां मौजूद है और सीडब्ल्यूसी के तमाम जो मेंबर्स हैं, देखिए साफ तौर पे जो है पंक्तिबद्ध तरीके से हम देख सकते हैं खड़े हुए हैं और बिल्कुल रणनीति के तहत, पूरे प्रोटोकॉल के तहत जो है मीटिंग की शुरुआत हो रही है। शायद राष्ट्रगान हो रहा है और आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हैदराबाद से, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है और
एक तरीके से इसकी शुरुआत हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हैं। बड़े नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे हम जयराम रमेश की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, और राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, केसी वेणुगोपाल वहाँ मौजूद है। जैसा कि हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमें तस्वीरें दिखा पा रही हैं, ये हैदराबाद से लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पर टीम खड़गे पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक आयोजित हो रही है। झंडारोहण से इस बैठक की शुरुआत होगी। एक नीतिगत तरीके से इस बैठक को शुरू किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी के साथ में इस बैठक का आगाज हो रहा है और एक तरह का संदेश दिया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, भारत छोड़ो आंदोलन की जो तस्वीर है, जो अपने आप में विशेष महत्व रखती है, अपने आप में एक बहुत कड़ा संदेश देती है। तो कहीं ना कहीं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक होना, यहाँ मंथन होना, तमाम दिग्गजों का यहाँ पहुँचना, यहाँ की सरकार को एक सीधा संदेश देता है कि कांटे की टक्कर होने वाली। आपको बता दें KCR दो कार्यकाल से यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसी को लेकर के मंथन के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। CM गहलोत भी यहाँ मौजूद है और विधिवत तरीके से शुभारंभ होने जा रहा है। फ्लैग होइस्टिंग हुई है, राष्ट्रगान हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में राहुल गांधी को लाइव तस्वीरें और साथ ही दूसरी तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, KC वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैदराबाद से। और ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें CWC की बैठक से, जहां पर 2023 में जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर मंथन किया जाएगा। खास तौर से तेलंगाना और हैदराबाद में कांग्रेस जुट गई है चुनावों पर चर्चा करने के लिए और KCR पर निशाना साधने की पूरी तैयारी की जाएगी। आपको बता दें कांग्रेस की 5 राज्यों में चुनावों की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा, साथ ही लोकसभा चुनावों को लेकर भी बातचीत की जाएगी, किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। आपको बता दें फिलहाल यहाँ पर KCR की सरकार है, पिछले 2 वर्षों से KCR यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी टीम को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और दिल्ली के बाहर ये अहम बैठक होने जा रही है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा संदेश जाता है कि किस तरह से कांग्रेस इस बार पूरी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतर चुकी है और इसे चुनावी शंखनाद भी माना जा सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जहाँ पे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी समेत राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, और कुछ ही देर में इसकी सचिन पायलट को आप देख सकते हैं, और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। चर्चा होगी, मंथन होगा कि किस तरह से कांग्रेस को इन 5 राज्यों में लाया जाए। आपको बता दें कर्नाटक में मिली जीत के बाद में कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है और इसी के बाद अब कांग्रेस रणनीति के तहत यहाँ पर अपनी CWC की मीटिंग कर रही है, बैठक आयोजित की जा रही है। आपको साथ में ये भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव देखने को मिला है उसे लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर निशाना साधा जाएगा। किस तरह से राहुल गांधी का जनाधार बढ़ा है, किस तरह से लोगों में विश्वास जगा है कांग्रेस के प्रति, और कर्नाटक में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसी सत्ता परिवर्तन से प्रेरणा लेकर के, उस रणनीति से प्रेरणा लेकर के स्थानीय मुद्दों को उठा करके, और ये तस्वीरें कांग्रेसमय हुए पूरे प्रदेश की जहां पर
इस मंथन को लेकर के पूरा राज्य जो है वहाँ पर तमाम बैनर और लोगो लगाए गए हैं, एक नई ऊर्जा का संचार देखा गया है, पुलिस और प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में CWC की मीटिंग होगी वहाँ के एक होटल में। और आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से बात करते हुए, राहुल गांधी साथ में मौजूद और तमाम मीडिया, पुलिसकर्मी, कांग्रेस के आला अधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, CWC के सभी सदस्य मीटिंग में मौजूद, सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी राजस्थान के सुखजिंदर सिंह रंधावा, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह और PCC चीफ डोटासरा भी यहां पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अहम बैठक होने जा रही है, बड़ी बैठक है CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो सबसे मुख्य कमेटी है, जो तमाम बाकी कमेटियों के ऊपर अपनी सीधी नज़र रखती है, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, अलग अलग तरीके के जो कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें इस बार सभी चुनावी राज्यों में कमेटियों का गठन किया गया है, चाहे वो इलेक्शन कमेटी हो, स्क्रीनिंग कमेटी हो, कैंपेन कमेटी हो, और इन सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जिसमें तमाम दिग्गज मीटिंग हुई हो, लेकिन इस मीटिंग का तेलंगाना में होना अपने आप में चुनावी शंखनाद का संदेश देता है, किस तरह से कांग्रेस अपनी मजबूती को प्रमाणित कर रही है। और नवगठित CWC की पहली बैठक आज हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अपनी टीम के साथ में। टीम खड़गे अपनी मीटिंग की शुरुआत करेंगे और तेलंगाना से इसकी शुरुआत की जा रही है। तेलंगाना भी एक चुनावी राज्य है, यहाँ पर के चंद्रशेखर पिछले दो कार्यकालों से राज्य कर रहे हैं, उनकी सरकार बनी हुई है, लेकिन अब कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से टक्कर देने को तैयार है। और हमारी सहयोगी कनिका कटियार फोन लाइन पर जुड़ी है हमारे साथ में। कनिका, दिल्ली के बाहर ये नवगठित CWC की बैठक हो रही है और चुनावी राज्य तेलंगाना में ये बैठक हो रही है, क्या कुछ मायने आपके हिसाब से? देखिए, बिल्कुल मनोरी, साफ तौर से CWC गठित होने के बाद ये पहली बैठक है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि दिल्ली के बाहर जो है किसी अन्य राज्य में है, अन्य राज्य में इस बैठक को आयोजित किया गया है। तमाम फिलहाल CIC माने जो है इस बैठक में देखने को मिले, क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है तेलंगाना में और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी CWC की बैठक के तहत जो है एक बड़ा चुनावी जो आगाज है उसकी शुरुआत करने जा रही है। इस बैठक की जरिए जो है एक बड़ा मैसेज जो है देने की कोशिश की जा रही है। वही जो कल की रैली होने वाली है उसमें CCR की पार्टी के खिलाफ, जो 9 साल में CCR की पार्टी ने जो वादे किए उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी जो है कल क्या कुछ कहेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन तेलंगाना में इस बैठक के तमाम मायने हैं, चाहे वो आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, कहीं ना कहीं दोनों ही चुनावों को साधने की कोशिश जो है इस बैठक के जरिए जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर, 2014 में जब इस राज्य का गठन हुआ, इसको लेकर के सोनिया गांधी ने एक संदेश दिया है कि उनकी जो उम्मीदें हैं, तेलंगाना के जो सपने हैं, तेलंगाना की जनता को कैसे आगे बढ़ाना है, उन्हीं सभी बातों को लेकर कांग्रेस सत्ता में आएगी, सत्ता परिवर्तन करेगी और एक अच्छी सरकार बनाएगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस बात का आपने जिक्र किया नंदनी, सोनिया गांधी ने 2014 में यही वादे जो है तेलंगाना में आकर किए थे कि तेलंगाना की धरती में जितने भी लोग रहते हैं उनको जिन जिन चीजों की जरूरत है कांग्रेस पार्टी उन वादों को पूरा करेगी। लेकिन KCR की सरकार बनी उसके बाद कहीं ना कहीं वो वादे नहीं पूरे हुए और कल जो है इस दिन को सुना गया कि कल तेलंगाना दिवस है, इसी दिन जो है तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, स्थापना हुई थी, तो कहीं ना कहीं कल कांग्रेस पार्टी जो है गारंटी जो है तेलंगाना के लिए घोषित करेगी। जैसे 5 वादे कर्नाटक में किए गए उनको पूरा किया गया, सेम पैटर्न जो है वो तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी अपनाने की कोशिश कर रही, क्योंकि कर्नाटक में एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली और सेम फॉर्मूला जो है अब आगामी विधानसभा राज्य में भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं तेलंगाना में जब 6 वादे जो है घोषित किए जाएंगे तो उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार उन वादों में क्या कुछ जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से आता है। और कहीं ना कहीं जिसे KCR का संबंध BJP से है उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी लंबे समय से हमलावर है कि दोनों ही पार्टी मिलकर जो है तेलंगाना में करप्शन का जो है जाल घूम चुके हैं और इसको लेकर लगातार इससे पहले भी तमाम तरह के आरोप जो है लगाए गए हैं। अगर हम बात करें INDIA संगठन की या किस तरह से BJP को घेरा जाएगा और जो विशेष सत्र पार्लियामेंट का होने जा रहा है उससे पहले इस बैठक को बुलाया गया है, तेलंगाना में बुलाया गया, क्या आपको लगता है इन दोनों बातों में कहीं कुछ लिंक है? CWC की बैठक में जो विशेष सत्र आ रहा है संसद का, उसको लेकर भी चर्चा होगी कि आखिरकार
कांग्रेस पार्टी कैसे इस विशेष सत्र में तमाम जो उनके मुद्दे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने इससे पहले पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा था कि हमारी ओर से इंडिया अलायंस की ओर से ये मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन कल आज जो पीएमसी की बैठक हो रही है उसमें इन बातों का भी जिक्र होगा और सहमति मिल जाएगी कि आखिरकार किन मुद्दों को जो है कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए। बिल्कुल इस बात का लिंक है, कहीं ना कहीं बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है संसद से पहले, संसद के सत्र से पहले जो है कांग्रेस पार्टी की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी वो एकजुटता है, कांग्रेस पार्टी अभी भी देश में जिंदा है, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी और तमाम लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी के हमलावर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज जो है वो इस बैठक से आपको देखने को मिलेगा।